हेलो फ्रेंड्स, सिलाई सीखो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये कैप से जो है बैग बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने आधा जो है ये बनाई रखा है। ये देखिए, हम इस साइड से भी इसको यूज़ कर सकते हैं और हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो फ्लावर जो है ये मैंने जो है, ये देखिए, ये जो है ये सूट में से जो कटिंग बचती है फ्लावर की, ये मैंने काटी हुई है। ये हमारे पूरे फ्लावर हैं और ये देखिए जो हमारा हाफ फ्लावर है, हम उसको ऐसे भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास फुल ही हो, तो हम इसको ऐसे आज हम आपको ये कर दिखाएंगे। ये हमारे बचा, ये बच सूट में से बचा हुआ, दूसरे सूट में से बचा हुआ है ये कुछ डिज़ाइन, जिसका मैंने ये स्टेप बनाया है। ये देखिए, आपके पास बड़ी कैप है तो आप बड़ा बैग भी बना सकते हैं, इसलिए मेरे पास ये छोटा है तो मैं आपको ये छोटा बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको फ्लावर लगाना बताऊँगी। ये देखिए, ये फ्लावर में पहले तो हमारे को ये कटिंग करनी पड़ेगी। ये जहाँ पर हमारे कट है, यहाँ पर हमारे को कटिंग करनी है। अगर ये देखिए, हम अगर यहाँ से कटिंग कर ऐसे कर हम करते हैं तो हमारे फ्लावर का जो शेप है वो अच्छा आएगा। अगर हम यहाँ से देखो, ये कटिंग मैंने नहीं करा हुआ, नहीं करी हुई है, तो इसमें हमारे फ्लावर का शेप जो है ये मुड़ने में हमारे को दिक्कत करेगा और यहाँ से शेप जो है अच्छी नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर आपको ये कट कर ये इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमने ये पूरा जो है इसको कट करना है। ये देखिए, अब हम इसको मोड़कर, पहले हम फ्लावर को कच्चा भी कर सकते हैं और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर पिन लगाई है तो मैं इसको डायरेक्ट कर करूँगी। इसको हम दो दो बार इसमें कच्चा कर नहीं करेंगे, या हाथ से हम इसको कच्चा करना पड़ेगा। इसको ये ऐसे लेंगे और हम छोटा छोटा स्टिच लेकर यहाँ से बीच में से ये इसको यहाँ से ऐसे हैं हम इसको फिक्स करेंगे। ये हमारी पुरानी चीज़ें जो घर में रखी होती हैं वो मैंने यूज़ कर आपको ये बैग बनाना बताया है। ये देखिए, इसको यहाँ से छोटा छोटा कच्चा करेंगे ये ऐसे कर। अपने सूट का या कोई भी डिज़ाइन हो, कोई एम्ब्रॉयडरी हो, उसको फेंकना नहीं चाहिए। इसको हम जो है ऐसे कर यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसको यूज़ करने पर, ये हमारा ये ऐसे। ये सिर्फ हमारा जो है आइडिया वीडियो है, आपका आइडिया मिल जाएगा आपको इससे। अब मैं इसको कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमने जो है ये फ्लावर लगा दिया है। अब ये जो पिन है हम इसको निकाल देते हैं। ये मैंने जो है अंदर से इसको सिला है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसकी यहाँ से फिनिशिंग जो है, हम इसकी स्टेप की फिनिशिंग कर इस पट्टी को जो है हम इसके यहाँ पर लगाएंगे। जैसे ये है, ऐसे लगाकर इसके ऊपर फ्लावर लगाकर हम ऐसे भी लगा सकते हैं। ये वाला जो साइड है मैंने यहाँ पर अंदर लिया हुआ है, और इस वाले साइड को मैं दूसरी साइड जो स्टेप लगाऊंगी उसके लिए जो है मैं यहाँ पर करूँगी। ये देखिए, ऐसे कर करूँगी। मेरे पास ये है, ये देखिए, ये क्लिप है मेरे पास। तो ये जो क्लिप है ये आपको राह से आएगी, मेरे को भी ऐसी आ रही है। ये मैंने चप्पल में से अपने स्लीपर में से निकाली हुई है, जो मेरे स्लीपर टूट गए थे, लेकिन इसका ये जो है बहुत सुंदर है ये क्लिप, तो ये मैंने संभाल के रखा। तो आज मैं इसको इसमें यूज़ कर आपको दिखा रही हूँ। ये जो है मैंने यहाँ पर कट लगाया हुआ, ये देखिए, ये यहाँ पर कट लगाया, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, ये क्लिप जो है हमने इसके अंदर फिक्स कर लिया कपड़े के अंदर। अब इसको यहाँ भी इसके अंदर लेकर जाएंगे कैप के अंदर, और इसको यहाँ से ये निकाल देंगे ये, और इसको दोनों साइड से इसकी क्लिप जो है यहाँ से इसको ये दबा दिया हमने, ये हमारा फिक्स हो गया। ये देखिए कितना प्यारा जो बैग है ये बन गया है। आप इसके अंदर सामान रख सकते हैं। ये देखिए, अपना एक छोटा पर्स भी आप रख सकते हैं। ये देखिए, आप ऐसे अपनी पुरानी चीज़ें जो है यूज़ कर आप इसे बना सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है, ये देखिए, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।